वेलकम, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अर्श सहवास एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो फॉर द हिस्ट्री सीरीज़। ओके, सो ये तीसरा वीडियो हिस्ट्री का, और मैंने पहले दो वीडियो में बात किया था। पहले में बात किया था मैं पुर्तगाल का, और दूसरे में बात किया था इंग्लैंड, और आज तीसरा जिसमें हम लोग बात करेंगे डच के बारे में। ओके, सो हम लोग डच के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे इसके कुछ तत्वों के बारे में और उसके कुछ फैक्ट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा PCS एंड UPSC एंड ऑल दो वन डे एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि मैं यहाँ पर फैक्ट भी पढ़ा रहा हूँ और मैं मौखिक रूप से कुछ जो सब्जेक्टिव वे में चीज़ें को डिफाइन कर रहा हूँ। सो होप कि आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको यह वीडियो मेरा जो सीरीज चल रहा है उसको पसंद है, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं फिर से कहूँगा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्रो। सो ओके, स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो से। पहला जो पहले हमने बात कर लिया था, हमने इससे पहले जो बात किया था वो हमने पुर्तगाल के बारे में बात किया था। एक बार शॉर्टली हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल में सबसे पहले कब आए थे यहाँ पे? तो पुर्तगाल यहाँ पर 1498 में आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे, जिसको हम लोग ब्रिटेन या फिर कुछ भी जो भी नाम से आप जानते हैं उसे हम लोग ब्रिटिश आए थे, जो 1599 में आए थे। ठीक है, उसके बाद डच जो 1600 में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। 1602 में डच भारत आए थे। ओके, उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं, डच के बाद डेनमार्क, उसके बाद फ्रांस आए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे डच के बारे में। तो डच की जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, सबसे पहली बात सरकारी कंपनी। और सरकारी कंपनी के क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या उसमें समस्याएं होती है, वो आप भली बात ही जानते हैं, क्योंकि इसमें निर्णय लेने में देर होती है, सरकारी अधिकारियों से आपसी मतभेद होता है, और भी कई समस्याओं का सामना देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण फेल होने का भी रीज़न यही होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे जो अहम रीज़न होता है, जो एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध, हम लोग इस पे आगे चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले डच कंपनी 1602 में हॉलैंड के निवासियों के द्वारा की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस पर सरकार का नियंत्रण था। देख रेख के लिए 17 सदस्यों का गठन किया गया था। ओके, उसके बाद मुख्यालय बाटबिया, सॉरी इस बाट दिया लिखा हुआ, बाटबिया में इसका मुख्यालय था। जैसे देखें, आप जानते हैं कि ये भारत है, ठीक है, और इस साइड पे पूर्व के क्षेत्र में इंडोनेशिया है, ठीक है ना। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जाकार्ता, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, जिसमें सुमात्रा, जावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है, एक स्थान जिसका बाटबिया नाम है, यहाँ पर डच का केंद्र है, ठीक है ना। केंद्र समझते हैं, जैसे कि भारत का कैपिटल क्या है? दिल्ली। यहाँ पर से केंद्र के राज्य को संचालित और निर्देश दिया जाता है। उसी प्रकार डच कंपनी का यहाँ पर केंद्र था। और उसके बाद जब डच भारत आती, तो सबसे पहले यहाँ पर कोरोमंडल, कोरोमंडल का तट तो अगर आप जानते तो इस क्षेत्र में कहीं पड़ता है, तो कोरोमंडल में इन्होंने सबसे पहले अपना व्यापारिक अधिकार बनाया। उसके बाद वस्त्र का निर्माण किया, ठीक है ना। जैसे देखें, अगर पहले पुर्तगाल आया तो यहाँ पर इन्होंने मसाला का व्यापार किया, ठीक है ना, मसाला का व्यापार किया। उसी तरह डच जो थी यहाँ पर, उन्होंने सबसे पहले नहीं, इन्होंने वस्त्र का ही व्यापार किया। वस्त्र का फैक्ट्री लगाने का श्रेय इन डच कंपनियों को ही जाता है। फिर 1627 में सबसे पहले इन्होंने बंगाल के पिपली में फैक्ट्री फैक्ट्री की स्थापना की। देखिए, यहाँ पे जब फैक्ट्री का संदर्भ आता है ना, तो फैक्ट्री का तात्पर्य होता है कि एक भंडार गृह, ठीक है ना। क्या होता था, हमें इसको समझाता हूँ एक चित्र के माध्यम से। सपोज दैट ये एक किला है, ठीक है ना। अब इसी में इन्होंने गोदाम बना दिया है, इसी में इन्होंने अधिकारियों को रहने के लिए जगह, यहीं पे जो सेना होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उसके लिए जगह बना दिया है। तो ये एक
प्रकार का किला होता था, ठीक है ना। ये कोई फैक्ट्री नहीं होता था, ये एक तरह का भंडार गृह होता था जो कि किले के रूप में इसका निर्माण कराया जाता था। और यहाँ पर व्यापार के साधनों को रखा जाता था, ठीक है ना। तो फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है, अगर फैक्ट्री अगर यूरोपीय अगर लगाते तो आज हम लोग भी क्या होते हैं, डेवलपिंग नहीं होते, डेवलप कंट्री होते, ठीक है ना। फैक्ट्री का तात्पर्य ये था। फिर डच के प्रमुख केंद्र, ठीक है, पुलिकट, कासिम बाजार, कालीकट, सूरत और चिनसुरा। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं, लाइक ये आप जानते हैं कि भारत है तो पुर्तगाल यहाँ पर आए, सॉरी इस क्षेत्र में आए, पुर्तगाल गोवा के कई क्षेत्र में जहाँ पर जमीरून का राज था, ठीक है ना, पुर्तगाल यहाँ पर आए। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं डच, अभी हमने पहले ही बताया कि डच आए, ठीक है ना। डच कोरोमंडल के तट पे आया, मसूली पट्टनम में अपना प्रथम व्यापारी बनाया। उसी प्रकार इन्होंने गोवा में, और अंग्रेज जो आए थे 1599 वो सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, ठीक है ना। जहांगीर के समय काल में उन्होंने अपने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र का निर्माण किया। ओके, उसी प्रकार डच ने भी किया कोरोमंडल तट पे। ये बात आप याद रखें क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, अगर आप देखेंगे कभी पूछा जाए तो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पूछा जाएगा कि डच ने या फिर इंग्लैंड ने, है ना, प्रथम व्यापारी केंद्र की स्थापना क्या कहाँ की। तो अगर डच पूछेगा तो मसूलीपट्टनम, और अगर इंग्लैंड पूछेगा तो सूरत। ओके, ये चीज़ आप जानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि बेदरा का युद्ध सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डच के संदर्भ में, ठीक है ना। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। ओके, इसमें क्या होता है, जब प्लासी का युद्ध हो जाता है, प्लासी का युद्ध समाप्त होता है 1757 में, ठीक है। और जैसे युद्ध समाप्त होता है तो फिर मीर जाफर को क्या बनाया जाता है, वहाँ का नवाब बनाया जाता है मीर जाफर को। एम फॉर मीर और जे फॉर जाफर, ठीक है ना, मीर जाफर को बनाया जाता है। बनाने के बदले में अंग्रेज इससे क्या लेते हैं, बहुत सारा धन लेते हैं और कुछ क्षेत्र की मांग करते हैं। तो उस समय ये खुशी से तो दे देते हैं, लेकिन मीर जाफर चाहता था कि मैं अपनी नागरिकों की सेवा करूं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराऊं। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि जो भी यहाँ पे नवाब बने वो मेरी पूरी की पूरी बात को माने, लाइक एक पोपट के तरह, पोपट इसमें कठपुतली के तरह। ओके, मीर जाफर जो था कि अब करता है कि शिफ्ट करने लगता है। तो मीर जाफर जो होता है वो डच से क्या करता है, हाथ मिलाने की कोशिश करता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता। तो डच से ये क्या करता है, हाथ मिलाने की कोशिश करता है, और ये बात इंग्लैंड को किसी गुप्तचर के द्वारा पता चलता है, ठीक है ना। इंग्लैंड को ये बात जैसे पता चलता है, अब ये लोग क्या हो जाते हैं, अवश्य बात है गुस्से हो जाएंगे, और इनके साथ बोलेंगे कि अच्छा रुको, अब क्या करेंगे कि ये सबसे पहले इंग्लैंड ये डच से युद्ध करेंगे, ठीक है ना। और डच के युद्ध के परिणाम में क्या होगा कि इंग्लैंड की विन हो जाएगी, जीत हो जाएगी, और डच पराजय हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसी युद्ध को हम लोग कह रहे होंगे बेदरा का युद्ध। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो डच और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था, जिससे जो डच की चुनौती थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। कारण आप जानते हैं, मीर जाफर के द्वारा वो चाहता था कि क्या करें, अंग्रेज को हम यहाँ से भगाएं, लेकिन ये उल्टा हो जाता है और अंग्रेज डच को हरा देते हैं और परिणाम उसके विजय के साथ मिलता है। आज का टॉपिक ये था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेनमार्क के बारे में। डेनिस कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी थी, वो भी दक्षिणी भारत में आती है, ठीक है ना, और कुछ कर्नाटक में आती है, और कुछ ही समय व्यापार करने के बाद वो अपना सारी चीज इंग्लैंड को बेच देती है और वो वापस चल जाती है, क्योंकि जानती है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए डेनमार्क कंपनी जो 1616 में आई थी वो यहाँ पर से प्रतिस्थापित हो जाती है कुछ समय के बाद। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डेनमार्क
डेनमार्क और फ्रांस को एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि डेनमार्क के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फ्रांस के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए दोनों को हमें साथ में लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइन अस, दिस इज़ आर शहबाज एंड दिस इज़ माई एमवुड टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, सो आप वहाँ पर इस वीडियो का या फिर पिछले वीडियो का PDF ले सकते हैं, ठीक है? या ऑफ कोर्स एंड आखिर में एक कोटेशन है जो मैंने आपके लिए ऐड किया है, हमें क्या करना और क्या और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए पहले हम कहाँ से और किधर बढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो तैयारी का एक सिरा स्टार्ट करें कि आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद मेडिएवल देखेंगे, उसके बाद हम लोग एंशियंट देखेंगे और उसमें भी क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसको हम देखेंगे कि हाँ इन सब चीज़ों से, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, किला के बारे में पूछा जाता है, कौन कब आया, किसे किसे युद्ध हुआ, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ों को दिमाग में बैठाएं और बार बार रिकॉल करें मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ दो ही टाइप से आ सकते हैं, एक फर्स्ट जैसे कि पूछा जाएगा कि यूरोप से पहले कौन आए थे, तो कौन आए थे आपको मैंने बता चुका, पुर्तगाल आए हुए थे, फिर सबसे पहले उन्होंने प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित की, डच ने कहा कि, इंग्लैंड ने कहा कि, ठीक है, युद्ध किसके, कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ, इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादातर मैं पूछा जाता है, ठीक है ना? चाहे वो वनडे हो या फिर PCS हो, इन दोनों में इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। UPSC में थोड़ा सब्जेक्टिव बढ़ जाता है तो उसे चीज़ को क्लियर ना होने पर दिक्कत हो जाती है, ठीक है? लेकिन वनडे और PCS के लिए मैं एकदम सफिशेंट है ये सारी नोट्स, आप इसे एकदम मुझ पर विश्वास करके नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप उसी तरह करें, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप देखेंगे जब रिवीजन करेंगे तो आप काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव माने समझेंगे, लाइक